नमस्कार दोस्तों मणिपुर पार्लियामेंट अविश्वास प्रस्ताव इन सब के चक्कर में हम एक खबर को मिस कर रहे थे और वो खबर है 370 आर्टिकल 370 को जिस तरीके से निलंबित किया गया हटाया गया जम्मू कश्मीर से 2019 में उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 20 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है पांच जजों की पीठ और इसको हेड कर रहे हैं सी डी वाई चंद्रचूड़ स्वयं मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे पर मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे और जो अंतिम वीडियो मेरे याद पड़ता है मैंने बनाया था वो ये बनाया था कि हमारे मिलोड़ जो है 370 के खिलाफ जो याचिकाएं आई हैं 370 को हटाए जाने के खिलाफ जो याचिकाएं आई हैं उन पर सुनवाई के लिए हमारी कोर्ट बड़ी बेचैन थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डे बाई डे हियरिंग का ऐलान किया था और दो दिन से उस पर सुनवाई रोजाना हो भी रही है तो उस पूरे प्रकरण को लेकर हम सब ये भूल गए थे पूर्व आई ए एस अफसर थे अब फिर से ज्वाइन कर चुके हैं मैंने इसे लेकर भी एक वीडियो बनाया था कि शाह फैजल ने यह कह दिया था कि साहब मैंने तो अपनी याचिका वापस ले ली थी क्योंकि उन्होंने आई ए कैडर को अपना फिर से दोबारा ज्वाइन कर लिया था तो फिर उनकी जो अपील थी उनकी जो याचिका थी उसको रिप्रेजेंटेटिव याचिका कैसे बनाया गया लेकिन बाद में इसमें सुधार किया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता हैं उनकी जो याचिका है इस बारे में उसको एक एक लीड याचिका मानते हुए प्रतिनिधि याचिका मानते हुए सारी की सारी जो 20 याचिकाएं हैं उन पर भी अलग अलग वकील सुनवाई कर रहे हैं लेकिन उसको एक आइडियल अपील मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की है और उसमें एक लोन साहब है इनके नेता हैं नाम पूरा भूल रहा हूं मैं उनका जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं उनकी याचिका है और उसमें रिप्रेजेंटेशन कर रहे रहे हैं हैं आर्ग्यू कर रहे है, सीनियर लॉयर कपिल सिप्बल। कपिल सिब्बल सिब्बल साहब के अलावा और कर कौन सकता था इस तरह के मामलों में जो खासतौर से थोड़ी सी राष्ट्र विरोधी चीजें होती हैं इनमें कपिल सिब्बल साहब का बड़ा इंटरेस्ट रहता है अभिषेक मनु सिंघवी तो कांग्रेस के मुकदमों में ही फंसे रहते हैं राहुल गांधी की जो चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि साहब उनकी सदस्यता चली गई है वो तो उसमें उलझे हुए हैं लेकिन कपिल सिब्बल साहब जो है इन्होंने बीड़ा उठाया है कि मैं 370 आर्टिकल फिर से बहाल करके मानूंगा और सुप्रीम कोर्ट को इस पर मैं एग्री कर लूंगा लेकिन अभी तक जो दो दिन की चीजें सामने आई हैं वैसे मैं तकनीकी रूप से ज्यादा जानकार नहीं हूं अदालती मामलों का और कानूनी पेचीदगियों का लेकिन मैं थोड़े में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अभी तक जो रुख मुझे नजर आया है सी जी आई डी वाई चंद्रचूड़ साहब का तो वो मुझे तो साहब ऐसा नज़र आ रहा है कि वो 370 को हटाए जाने को कुछ भी गलत नहीं मानते हैं यहाँ पर जो सी जी आई का रुख है वो मुझे कुछ उसी तरह से चौंका रहा है जिस तरीके से महाराष्ट्र के मसले में उन्होंने चौंकाया था महाराष्ट्र के मसले में उन्होंने उद्धव ठाकरे एंड ग्रुप की जितनी भी याचिकाएं हैं किसी पर भी उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया था और उनके पॉजिटिव रिस्पांस न देने की सबसे बड़ी वजह यह थी उन्होंने कहा था कि जब आपने अविश्वास प्रस्ताव को फेस ही नहीं किया तो फिर आपने जब सदन को फेस नहीं किया उससे पहले ही आपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया तो फिर आपकी किसी भी बात को क्यों सुना जाना चाहिए कायदे से इसी तरह की बातें सीजीआई ने उनसे कही थी और उसके बाद से उद्धव ठाकरे शांत बैठ गए हैं खैर उद्धव ठाकरे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं आज बात हो रही है आर्टिकल तीन के खिलाफ हटाए जाने के खिलाफ मैं बार बार कह रहा हूं आर्टिकल तीन के खिलाफ नहीं आर्टिकल 370 को जिस तरीके से अमित शाह ने गृह मंत्री ने अगस्त 2019 में हटाया पार्लियामेंट के माध्यम से उसके खिलाफ जो याचिकाएं हैं उन सब पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है और सुप्रीम कोर्ट तह तक जाना चाहती है कि पुराने जमाने से जम्मू कश्मीर का क्या स्टेटस था इतिहास क्या था बैकग्राउंड क्या था और आजादी के बाद से वहां पर परिस्थितियां किस तरीके से बदली है खैर इसमें आर्ग्यूमेंट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर वकील हैं कपिल सिब्बल साहब वो पेश कर रहे हैं इसमें कल यानी बुधवार को कोर्ट ने ये सवाल किया कि क्या चुनी हुई राज्य सरकार की सिफारिश से 370 निरस्त नहीं हो सकता तो इस पर कपिल सिब्बल ने यह कहा कि चुनी हुई राज्य सरकार को भी यह अधिकार नहीं था कोर्ट ने पूछा कि एक प्रावधान यानी कि आर्टिकल 370 जो अस्थाई था वो 1957 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद स्थायी कैसे हो गया कपिल सिब्बल इस पर निरुत्तर हो गए संविधान सभा का कार्यकाल उन्नीस में खत्म हो गया तो अब क्या हो इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि सर 1951 से 1957 तक जम्मू कश्मीर कश्मीर की संविधान सभा फैसला ले सकती थी उस दौरान यह अनुच्छेद 370 सौ सत्तर अस्थायी था लेकिन 1957 के बाद अनुच्छेद 370 को निरस्त नहीं किया जा सकता था और केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था और इसी पर यह सारा मामला चल रहा है देखिए इसमें बहुत सारे बात तर्क है कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार राजनीतिक फैसला संसद के जरिए नहीं ले सकती है संसद ने तय कर लिया कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 खत्म हो संवैधानिक शक्ति संसद ने ले ली और खुद ही संविधान सभा बन गए संवैधानिक तौर पर राज्य को यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी कैसे बनाया जा सकता है उनके तर्क बहुत सारे हैं उनके तर्कों पर बहुत सारी जवाब है और बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है वैसे कपिल सिब्बल ने कई और कुतर्क दिए हैं उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक कार्रवाई के माध्यम से अनुच्छेद 370 को खिड़की से बाहर फेंक दिया गया थ्रोन आउट ऑफ विंडो यह कोई संवैधानिक कार्य नहीं था संसद ने खुद संविधान सभा की भूमिका निभाई और अनुच्छेद तीन को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि यह जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा का प्रयोग कर रही है क्या ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत का अभिन्न अंग है लेकिन एक विशेष रिश्ता है जो अद्वितीय है और जिसे अनुच्छेद 370 में ही तैयार किया गया है देखिए पुराने कांग्रेसी हैं तो पुराने कांग्रेसियों की जो अंदर से वो चीजें हैं कैसे निकलकर सामने आ रही हैं कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना आप उस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकते हैं आप एक राज्य की सीमा बदल सकते हैं आप एक बड़े राज्य की सीमाओं को विभाजित करके छोटे राज्य बना सकते हैं लेकिन इस देश के इतिहास में कभी भी एक राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित नहीं किया गया है कपिल सिब्बल ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंक है लेकिन भारत और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच अनुच्छेद 370 के जरिए खास रिश्ता है है इसे इसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से खत्म खत्म नहीं किया जा सकता सरकार ने करते हुए खुद से ही जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के लोगों की भूमिका मान ली और क्या संवैधानिक रूप से ऐसा संभव है सीजीआई ने कपिल सिब्बल से भी पूछा सीजीआई साहब का रुख इसमें जरा आप गौर से देखिएगा उन्होंने पूछा कि किस मामले में अनुच्छेद 370 को जो एक स्थाई अस्थाई टेंपरेरी प्रावधान है इस तथ्य के आधार पर स्थाई प्रावधान का चरित्र ग्रहण करता है कि वहां कोई संविधान सभा नहीं है कि अगर वहां पर संविधान सभा 1957 में खत्म हो गई तो क्या 370 परमानेंट हो गया तो इसके जवाब में बल साहब कहते हैं कि जी बिल्कुल ऐसा ही है उन्होंने कहा कि कोई भी संसद खुद को संविधान सभा में परिवर्तित नहीं कर सकती है संसद को ऐसी शक्ति कहां से और किन प्रावधानों के तहत मिलती है वहां एक अनूठी संरचना थी जिसे 5 अगस्त 2019 को बदल दिया गया और अनुच्छेद 370 को खिड़की से बाहर फेंक दिया गया अब आप बताइए इसका कोई लॉजिक है जब आप भारत का अभिन्न अंग हैं जम्मू कश्मीर ने ये मान लिया 1947 के बाद वो भारत का अभिन्न अंग है तो फिर पार्लियामेंट के दायरे से वो बाहर कैसे रह सकता है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब संविधान सभा की वैधता खत्म हो गई तो फिर क्या हुआ आपके हिसाब से 1957 के बाद अनुच्छेद 370 में संशोधन हो ही नहीं सकता था अगर आपका तर्क सही है तो अनुच्छेद 370 जो कि एक एक प्रावधान है रूप ले लेता है और क्योंकि 1957 के बाद से कोई संविधान सभा नहीं रह गई तो ऐसे में क्या होगा क्या होता है जब संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है सीजीआई ने ही खुद इसमें सवाल किया कपिल सिब्बल हक्के बक्के रह गए सीजीआई ने कहा कि किसी भी संविधान सभा का कार्यकाल अनिश्चित नहीं हो सकता अनुच्छेद 370 के खंड तीन का प्रावधान राज्य की संविधान सभा की सिफारिश को संदर्भित करता है और यह कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने से पहले संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक है लेकिन सवाल यह है कि जब संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा जस्टिस गवई जो इसमें एक और जज हैं उन्होंने भी दखल दिया उन्होंने कहा सिब्बल से पूछा कि क्या यह तर्क दिया जा रहा है कि 1957 के बाद अनुच्छेद 370 के बारे में कुछ किया ही नहीं जा सकता था जब जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यपाल समाप्त हो गया तो सिब्बल साहब कहते हैं कि अदालत वर्तमान में एक संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या कर रही है वह यहां उस प्रक्रिया को वैध बनाने के लिए नहीं है जो संविधान के लिए अज्ञात है मतलब कोर्ट को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं इस सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रोजाना सुनवाई कर रहा है सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर बाकी पांचों दिन यहां पर दलीलें सुनी जाएंगी चार दिन और सोमवार और शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट अन्य मामलों पर सुनवाई करता है इन दिनों में केवल नई याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाती है और नियमित मामलों की सुनवाई नहीं की जाती है इसमें जो जजों की पीठ है उसमें लीड कर रहे हैं सी जी आई डी वाई चंद्रचूड़ जस्टिस संजय किशन कौल जस्टिस संजीव खन्ना जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत इस पूरे मामले के लेकर दोस्तों जबरदस्त राजनीति हो रही है लेकिन निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है अभी तक जो सी जी आई डीवाई चंद्रचूड़ का रुख है वो मुझे पॉजिटिव नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है कि 370 के खिलाफ ये जितनी भी याचिकाएं हैं अंत में सुप्रीम कोर्ट से इनको सबको मुंह की खानी पड़ेगी निश्चित रूप से ये तो आप बात मानेंगे कि सीजीआई साहब का जो ये रुख है अप्रत्याशित है लेकिन कानून सम्मत है वो तर्क कुतर्क इन सब चीजों के बीच से निकलकर सोल्यूशन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर संविधान सभा खत्म हो गई तो उसके बाद क्या भारत की पार्लियामेंट को इतना राइट नहीं है कि वो अपने किसी एक राज्य से विशेष राज्य का दर्जा ले सके उसका डिवीजन कर सके उस पर नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहां पर लागू कर सके ये एक बहुत बड़ा सवाल है आने वाले समय में इस बहस के दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आने वाली हैं इन कांग्रेसियों की भी पोल खुलने वाली है जिन्होंने नाइनटीन के बाद जम्मू कश्मीर की तरफ मुंह करके नहीं देखा और जिसने एक लंबा दौर लगभग तीन चार दशकों का आतंकवाद का झेला नरसंहार हुए हिंदुओं को भगा दिया गया बहुत सारी घटनाएं हुई इन सब चीजों को किस तरीके से अवॉइड किया गया मेरा मानना है कि ये जो डे बाय डे हियरिंग हो रही है निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने आने वाले हैं ऐसे खुलासे होने वाले हैं जिसमें यह पता लगेगा कि कांग्रेस की सरकार ने जम्मू कश्मीर की किस तरीके से उपेक्षा की और उसे गर्त में धकेलने का काम किया इस पर हमारी नजर बनी रहेगी आप जुड़े रहिए मेरे साथ नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें